ओसी ने किया एनएक्सटी में इन्वेजन, फिंड का फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंस हुआ तय, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुका है नया गोल्डबर्ग और सेथ रॉलिंस ले सकते हैं जल्दी अपना हील टर्न, लेकिन क्यों जानेंगे आज किस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की इस वीडियो में हम चार बड़ी खबरें कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओसी यानी कि एजे स्टाइल्स के क्लब की। तो गाइस ओसी ने कर दिया है एनएक्सटी में इन्वेजन, ओसी ने कर दी है अनडिस्प्यूटेड एरा की पिटाई। तो आप जानते हैं अनडिस्प्यूटेड एरा यानी कि एडम कोल का क्लब बार बार डब्ल्यूडब्ल्यूई को उंगली कर रहा था, बार बार रॉ स्मैकडाउन में आता था और रेसलर्स को पीट कर चले जाता था। लेकिन दोस्तों बीती रॉ में जो उन्होंने ओसी की पिटाई की वो चीज सबसे गलत की, क्योंकि ओसी ने आज उसका बदला ले लिया है। हुआ क्या दोस्तों, आज एनएक्सटी की टेपिंग्स के दौरान शुरुआत में ही अनडिस्प्यूटेड एरा पिट गई। कैसे कि ऐसे दोस्तों कि सबसे पहले ये चीज देखने को मिलती है कि अनडिस्प्यूटेड एरा बैकस्टेज प्रोमो काटने लगती है। ये प्रोमो दोस्तों शो की शुरुआत से पहले था कि तभी दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि वहां आकर कुछ लोग करने लग जाते हैं उनकी पिटाई, जो कि निकलते हैं ओसी के मेंबर्स यानी कि एजे स्टार्स, ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन, तीनों मिलकर उनकी इतनी गंदी पिटाई करते हैं कि दोस्तों वो देखने वाली चीज थी। वहां बॉबी फिश को चॉक स्लैम भी लगा जो कि काफी ब्रूटल था। और उसके बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है कि ओसी जो है वो रिंग के अंदर एंटर करती है, एरिना में आती है और वहां सबसे पहले दोस्तों जो साइड सिक्योरिटी होते उन्हें ठिकाने लगाती है और गाइज एक प्रोमो काटती है। प्रोमो की बात ना की जाए तो सिंपल सी थिंग ये रही कि ओसी वालों ने रॉ एंड स्मैकडाउन वालों का बदला ले लिया है और ये काफी बढ़िया चीज है। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस वो जुड़ी हुई है हमारे फीड से। तो फीड दोस्तों काफी ज्यादा पोलराइजिंग फिगर बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और काफी ज्यादा आपने रूमर्स भी सुने होंगे कि फीड का मैच इसके खिलाफ होगा, उसके खिलाफ होगा, ये कंटेंडर बनेगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक कंटेंडर सामने आ चुका है जो कि फीड को एक बड़े लाइव इवेंट में फेस करने जा रहा है और ये कोई और नहीं, यह द मिज। अब द मिज का मैच दोस्तों कोई आम मैच नहीं होने वाला है फिंड के खिलाफ, वो होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए 30 नवंबर को मेक्सिको में होने वाले लाइव इवेंट के अंदर, जो कि काफी बड़ा लाइव इवेंट है। अब गाइज इस चीज से हमें इस चीज का पता चलता है कि जो द मिज है वो उनके पोटेंशियल ओपोनेंट हो सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के। रीजन क्या है दोस्तों, रीजन ये कि इससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक सेगमेंट बुक किया था पिछले हफ्ते, जहां दोस्तों फिंड आने थे द मिस के शो में यानी कि मिस टीवी में, लेकिन दोस्तों फ्लाइट्स में हुई देरी के चलते वो दोनों सुपरस्टार्स अपीयर नहीं हो पाए। बट गाइज यहां हमें वो थिंग देखने को मिल सकती है इस बार के स्मैकडाउन में, जहां दोस्तों जो फिंड यानी कि ब्रे वायट है वो द मिस के शो में आए और वहां से दोस्तों उनकी राइवलरी की शुरुआत हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो लाइव इवेंट्स रहते हैं उनमें वही फाइट्स रहती है छोटे लेवल पर जो कि पीपीवी में होनी होती है। तो गाइज यहां से इनकी राइवलरी स्टार्ट हो सकती है द मिस वर्सेस फिंड। क्या रिएक्शन है आपका बताएगा जरूर। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी तीसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो तीसरी बड़ी खबर हमारी जुड़ी हुई है नए गोल्डबर्ग से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोस्तों एक ऐसा रेसलर आ चुका है, उसे काफी महीने हो चुके हैं दोस्तों, जो कि गोल्डबर्ग है और जो गोल्डबर्ग के जैसे फिनिशर मारता है। नाम दोस्तों आप सब लोग जानते हैं मैट रीडल। तो मैट रीडल इससे पहले कई बार गोल्डबर्ग को पॉइंट आउट कर चुके हैं, कई बार उंगल कर चुके हैं उन्हें, लेकिन दोस्तों गोल्डबर्ग जो है वो काफी शांत प्रवृत्ति के है तो उन्होंने अभी तक उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों फिर से मैट रीडल ने ऐसी चीज कर दी है। मैट रीडल ने दोस्तों क्या कहा कि आजकल मैं जैक हैमर का काफी यूज कर रहा हूं। वेल गाइज ये स्टेटमेंट उनकी सही है, क्योंकि एनएक्सटी के अंदर मैट रीडल आजकल जैक हैमर का यूज कर रहे हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है ब्रो हैमर का। तो गाइज उसके बाद वो क्या बोले मैट रीडल बोले, जैक हैमर का यूज करते करते लोग काफी ज्यादा मुझसे खुश हो गए और लोगों ने मुझे ये चीज कही कि आप स्पीयर का यूज क्यों नहीं करते। ऑफ कोर्स मैं नया गोल्ड बगू और मैं कर भी सकता हूँ, ऐसा कुछ उनका कहना रहा। तो गाइज यहाँ मैट रीडल ने खुद को न्यू गोल्ड बग की संज्ञा दे दी है। लेकिन आपको क्या लगता है, मैट रीडल जो कि बीती स्मैकडाउन और रॉ के अंदर हमें इन्विजन करते हुए नजर आए थे, जिन्हें आपने देखा भी होगा सेमी जेन के ऊपर अटैक करते हुए, वो क्या आपको किसी एंगल से गोल्डबर्ग लगते हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर हमारी जुड़ी हुई है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। तो गाइस सेथ रॉलिंस ले सकते हैं हील
टर्न, ये हवा में दोस्तों तीर मारने वाली थिंग नहीं है। यहाँ दोस्तों मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल फोर्ब्स की माने, फाइटफुल की माने तो गाइस माना यह जा रहा है कि जो क्राउन ज्वेल था वहां ये हील टर्न होना था, यानी कि सेथ रॉलिंस वहां ब्रे वाइट के खिलाफ हील में बदल जाने वाले थे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दोस्तों प्लांस में चेंज आ गए और वहां सेथ रॉलिंस ने चीजें टीज भी की थी कि वो बदल चुके हैं, उन्हें अजीब सा फील होता है। और गाइज अब बात की जाए सर्वाइवर सीरीज की, तो सर्वाइवर सीरीज में हमें ये एंगल देखने को मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस धोखा दे दे रॉ स्मैकडाउन के रोस्टर्स को और वहां एनएक्सटी का पक्ष ले ले, यानी कि एक तगड़ा हील टर्न जहां दोस्तों वो अपना ब्रांड ही चेंज कर लेंगे। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जो बीती रॉ के अंदर आपने सेगमेंट देखा उसके ऊपर सारे रूमर्स घूम रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द दोस्तों ये सारी थिंग्स घूम रही है कि सेथ वहां काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखे थे जब ट्रिपल एच ने उन्हें कहा था कि मेरे ब्रांड में आ जाओ। वहां सेथ ने काफी ज्यादा सोचा भी था और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो नजर आए थे। माना यह जा रहा है कि सेथ रॉलिंस वाकई में NXT में जाने के ऊपर विचार कर रहे हैं, जैसे कि फिन बैलर गए हैं और आपको हील टर्न देखने को मिल सकता है सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन सवाल ये रहेगा मेरे आपसे, क्या सेथ रॉलिंस को वाकई में धोखा देना चाहिए अपने ब्रांड यानी कि रॉ को, या फिर दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें हील टर्न नहीं करना चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।